हे गाइस, मैं हूँ राहुल और आप देख रहे हैं गेम टॉक्स। और आज हम बात करेंगे कि आपको PS4 प्रो लेना चाहिए या आपको बजट गेमिंग कंप्यूटर लेना चाहिए। ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो प्लीज़ इसे लास्ट तक देखिए। तो लेट्स स्टार्ट। इस टॉपिक पे आपको हर एक चैनल पे वीडियो मिल जाएगी, चाहे वो टेक का हो या चाहे वो गेमिंग का हो। सरप्राइज़ की बात यह है कि ये वीडियो अब मेरे चैनल पे भी है। बट ट्रस्ट मी गाइज, मैं आपको बोल नहीं करूँगा कि पैसे कम है तो ये ले लो, पैसे ज़्यादा तो वो ले लो। ऑब्वियस सी बात है, अगर आपके पास 20 रुपये तो आप मैकडी के बर्गर के बारे में नहीं सोचेंगे, आप किसी ठेले के बर्गर के बारे में सोचेंगे। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, मैं आपके सारे डाउट क्लियर कर दूँ। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं प्राइस की। अगर आप PS4 प्रो लेना चाहते हो तो आपको 30,000 के अराउंड मिल जाएगा इम्पोर्टेड वाला। वहीं आप गेमिंग PC बनाना चाह रहे हो बजट वाला, तो आपको 40,000 के अराउंड पड़ जाएगा। पर बात यहाँ गौर करने की ये है कि आपको 40,000 में सिर्फ CPU मिलेगा, ना कि मॉनिटर, ना कि कीबोर्ड, ना कि माउस, ना कि स्पीकर। और इन चीज़ों के बिना आप अपना गेमिंग कंप्यूटर को यूज़ नहीं कर सकते। CPU का क्या अचार डालोगे अगर जब आपके पास मॉनिटर ही नहीं है डिस्प्ले के लिए और सुनने के लिए स्पीकर ही नहीं है। तो इन चीज़ों को भी कंसिडर करेंगे हम। और इन चीज़ों को ऐड करने के बाद जो हमारा कॉस्ट बनेगा वो 55,000 से लेके 60 तक बनेगा। और हमें मिलेगा क्या, एक बजट PC जिसपे आप गेम्स हाई टू मीडियम सेटिंग पे खेल सकते हैं, 1080p पे, और कुछ गेम अल्ट्रा पे भी। जैसा कि प्राइस दुगना है PS4 प्रो के मुकाबले और परफॉर्मेंस भी सिमिलर ही मिलेगा, क्योंकि PS4 प्रो भी 1080p पे अच्छी खासी गेमिंग करवा देता है। और दूसरा पॉइंट है चॉइस, कि आपको क्या पसंद है, गेमिंग करना या उसके साथ और भी चीजें जैसे एडिटिंग और ऑफिस वर्क। और अगर आपको सिर्फ गेमिंग करना पसंद है मेरे जैसे, तो आप एक गेमिंग कंसोल ले सकते हैं, क्योंकि मेरे पास भी पहले एक बजट PC है, अभी भी है। पर मेरे कंसोल पे आने का रीजन ये था कि सिर्फ एक्सक्लूसिव गेम मैं खेल पाऊंगा, क्योंकि PC के लिए जो गेम्स रिलीज होते हैं वो PS4 में भी आते हैं। प्लस इस पे एक्सक्लूसिव गेम भी आते हैं जो कि बहुत अच्छे गेम्स टाइटल्स है, जो कि एक प्लस पॉइंट है कंसोल्स के लिए। और यहाँ पे थर्ड पॉइंट है कम्फर्ट। जैसा कि आपको पता है कंसोल्स पे गेम खेलना बहुत आसान है, कंफर्टेबल है, ड्यू टू वायरलेस आप उसमें गेम बहुत आराम से कहीं पे भी बैठ के खेल सकते हैं, चाहे वो बेड हो या सोफा हो। बट गेमिंग कंप्यूटर्स में या कंप्यूटर्स में गेम खेलते वक्त आपको एक अलाइन पोजीशन पे बैठना पड़ता है ताकि आपके बॉडी पार्ट दर्द ना करे। और यहाँ पे मुझे तो बेड पे आराम से लेट के गेम खेलने पे मजा ही आता है, इसलिए मुझे प्ले स्टेशन अच्छे लगते हैं। अगर आपको वर्सेस खेलना है अपने फ्रेंड के साथ, तो यहाँ पे मैं आपको कंसोल ज्यादा प्रेफर करूंगा, क्योंकि आपको PC में उसको एक कीबोर्ड और माउस अलग से पकड़ाना पड़ेगा, जो कि काफी अनकंफर्टेबल है खेलने में भी उसे रखने में भी। जबकि वायरलेस कंट्रोलर्स कंसोल्स में बहुत ही इजी होते हैं और कंफर्टेबल होते हैं, और आप वर्सेस मैच काफी अच्छे से एंजॉय कर सकेंगे। और यहाँ पे फोर्थ पॉइंट होगा इंटरेक्शन। जैसा कि आपको पता होगा कंसोल्स पे इंटरेक्शन बहुत ईजी है, अगर आपको गेम खेलना है तो उसमें CD डालिए और गेम खेलिए, जबकि कंप्यूटर्स में लिटिल बिट थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगता है मेरे को, इसलिए मैं कंसोल को ज़्यादा प्रेफर करता हूँ अगर आपका सिर्फ मोटिव गेम खेलना है। तो मैं कहना चाहूँगा अगर आपका सिर्फ गेमिंग मोटिव है तो आप कंसोल ले, अगर आपको उसके साथ एक्स्ट्रा वर्क करना है तो आप कंप्यूटर ले। इस वीडियो में मैंने एक बजट गेमिंग PC के बारे में डिस्कस किया है, ना कि कोई हाई एंड गेमिंग PC के बारे में जिसकी कॉस्ट 1 लाख से 1.5 लाख के बीच में पड़ेगी। अगर आप वो लेने की सोच रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है, क्योंकि आपके पास बहुत पैसे है और आप दोनों चीज अफोर्ड कर सकते हैं। तो फाइनल डिस्कशन पे आ जाते हैं। जैसा कि PS4 प्रो और गेमिंग PC दोनों अलग अलग चीज है, पर आप गेमिंग दोनों पे कर सकते हैं। अगर आपको सिर्फ गेमिंग करनी है इजी और कंफर्टेबल वे में, तो कंसोल इज द बेस्ट ऑप्शन फॉर यू। ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि कंप्यूटर में गेमिंग करना अनकंफर्टेबल है, पर आप बिगनर हो तो कंप्यूटर यूज करने में आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, क्योंकि कंप्यूटर ओपन है, काफी वाइड है, आप उसमें बहुत चीज कर सकते हो, तो आपको लिटिल बिट टाइम लगेगा हर चीज सीखने में। बट प्ले स्टेशन में इट्स क्लोज, आप आराम से बस CD डालिए और अपना गेम इंजॉय करिए। अगर आपका गेमिंग में इंटरेस्ट है तो सिर्फ आप कंसोल चूज करिए। पर ये वीडियो आपके डाउट क्लियर कर देगा कि आपको क्या चूज करना चाहिए। आई होप ये वीडियो आपको मदद करेगी आपके डाउट क्लियर करने में कि आपको क्या चीज लेना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमें सपोर्ट कीजिए। और वीडियो को डिसलाइक मत करो यार, उल्टा से बहुत सारे लाइक और शेयर करो ताकि मुझे सपोर्ट मिले और ऐसे कॉन्टेंट मैं लाता रहूँ। तो टिल देन बाय।